माइनक्राफ्ट का एंड एंडर ड्रैगन है और ये सबसे शक्तिशाली मॉब है और इसमें कुछ अननोन पावर्स और कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी छिपी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार एंडर ड्रैगन बना कैसे, तो जानिए द स्टोरी ऑफ एंडर ड्रैगन में। तो एक कहानी उस वक्त की है जब माइनक्राफ्ट वर्ल्ड पहली बार बना और उसी के साथ साथ वहां का नर्क मतलब कि नेदर भी, और सबसे आखिर में बना एंडर वर्ल्ड। पर जैसे कि आप सभी को पता ही है कि माइनक्राफ्ट में तीन डायमेंशंस है, पहला माइनक्राफ्ट वर्ल्ड खुद, दूसरा नेदर और तीसरा और सबसे आखिर में एंडर वर्ल्ड। पर एंडर वर्ल्ड से ही शुरुआत हुई एंडर ड्रैगन की। एंडर वर्ल्ड जहाँ की एंडर मैन रहते थे और वहीं पर रहता था उन सभी का बॉस एंडर ड्रैगन। पर यह सब शुरू हुआ आज से कई हजारों सालों पहले, और उस वक्त पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट यूनिवर्स खाली था, और उस समय उस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें एग्जिस्ट करती, पहले थे एंडर मैन और दूसरे थे इंसान। एंडर मैन जो कि एंडर वर्ल्ड में रहते, और बिल्डर्स और विलेजर्स जो कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में रहते। और उस समय के एंडर मैन बहुत पावरफुल होते जो कि बोल सकते और कुछ भी बना सकते, जैसे कि एंडर वर्ल्ड में पूरी की पूरी एंड सिटी, और कुछ समय बाद पता नहीं कैसे एक एंडर मैन एंडर वर्ल्ड से इंसानी दुनिया में आ गया था। और वहां उसकी मुलाकात हुई कुछ बिल्डर से जो कि वहां पर कुछ बना रहे थे, और उन सभी को देखकर वो भी उनकी मदद करने लगा। और थोड़े समय बीतने पर उस एक एंडरमैन की दोस्ती वहां के सारे बिल्डर से हो गई, और इसीलिए वो उन्हें टेलीपोर्ट करके अपने घर मतलब कि एंडर वर्ल्ड में ले गया। और तब उन बिल्डर्स को एंडरमैन की ताकत के बारे में पता चला, और फिर उन बिल्डर्स के मन में उस ताकत को पाने का लालच आ गया। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हम वो एनर्जी कैसे ले, और कुछ समय बाद उन एंडरमैन के साथ रहकर उन्हें उनके पावर सोर्स के बारे में पता चला, जिससे कि वो लोग टेलीपोर्ट करते। और एक रात उन सभी बिल्डर्स ने उस एनर्जी सोर्स को ही चुरा लिया, और अब उनमें भी टेलीपोर्ट करने की पावर थी, और इसीलिए वो टेलीपोर्ट करके अपने रियल वर्ल्ड मतलब कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में वापस चले गए। पर उन्हें क्या पता था कि उनके पास वो एनर्जी तो आ गई थी, पर साथ ही साथ में उनके यूनिवर्स के लिए एक डिस्ट्रॉयर भी। और जब एंडरमैन का पावर सोर्स चोरी हो गया तब उन्हें कुछ खालीपन महसूस होने लगा, पर अब वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, और इसीलिए उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने अपनी बच्ची कुची सारी की सारी एनर्जी एक ड्रैगन की मूर्ति पर लगा दी, क्योंकि वो कोई आम ड्रैगन नहीं था, उसके पीछे एक रियल ड्रैगन एग्जिस्ट कर। बहुत पहले जब गॉड्स की वॉर हुई तब एंडरमैन ने भी उनकी मदद की, और खुश होकर गॉड ने उन्हें उनके यूनिवर्स के लिए एक प्रोटेक्टर के रूप में एक ड्रैगन दे दिया। पर पता नहीं कैसे उस ड्रैगन में कुछ ईविल शक्तियां आ गई थी, और उसने माइनक्राफ्ट में और एंडर वर्ल्ड में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसीलिए गॉड ने उसे एंडर वर्ल्ड में ही एक पत्थर की मूर्ति बनाकर रख लिया था। और उस ड्रैगन को सिर्फ और सिर्फ एंडरमैन ही जिंदा कर सकते थे। और जैसे ही वो पत्थर की मूर्ति टूटी, वहां से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आया, और एंडरमैन ने उसे उनका पावर सोर्स वापस लाने को कहा। वो उन्हें इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा रहा था क्योंकि वो उनकी पावर से उनके वश में था। और जैसे ही वो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आया, पहले तो उसने एंडरमैन का पावर सोर्स वापस लाया, और फिर वो पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर अपने एंडर वर्ल्ड में वापस आ गया। और फिर जैसे ही उन एंडरमैन की पावर खत्म हो गई, और जब वो ड्रैगन होश में आया तब वो पूरा का पूरा एंडर वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर उसने ऐसा नहीं किया और पूरे के पूरे एंडर वर्ल्ड पर कब्जा कर दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।